जिला अस्पताल एटा पहुंचे हैं। क्या नाम बेटा आपका? अभय है। क्या क्या नाम है आपका? क्या कहाँ, कौन सा गांव, कौन सा है? खरोली। खरोली। तो आपके मम्मी पापा गायब हो गए हैं क्या, मिले नहीं है? मिल गए हैं। मिल गए। कहाँ पे हैं? मम्मी खत्म हो गई है? नहीं, मम्मी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में। तुम्हारा क्या नाम है? हैं? महक। दोनों बहन भाई हो? ये दोनों बहन भाई हैं छोटे से। इनके जो है हादसे के बाद बताया जा रहा है इनकी माँ की मौत हो गई है, पिता अभी लापता है, मिले नहीं है। और ये बच्चे यहाँ जिला अस्पताल ढूंढते ढूंढते पहुँचे हैं। पापा मिल गए? अभी पापा इनके जो आ रहे हैं, जो दोनों बच्चे जो बहन भाई हैं, वही उसे पता क्या हुआ था? वहाँ आप गए थे उसमें सत्संग में? सत्संग में तुम गई थी? हैं? थोड़ा नीचे करो कैमरा। सत्संग में गए थे तुम? क्या हुआ था, कैसे क्या हो गया था? हमने गिर गए थे, दब गए थे, इसके लिए मम्मी बेहोश हो गई। और अच्छा, गिर गए दब गए थे आप लोग? हाँ। मम्मी बेहोश हो गई आपकी है? हाँ। तो ये छोटी बच्ची है, इसका नाम महक है। इसका कहना है कि वहाँ सत्संग में जो लोग अपनी माँ के साथ गई थी, तो वहाँ जो है इसकी मम्मी जो भीड़ में दब गई, घायल हो गई। इसको ये बताया गया कि जिला अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए ये लोग अपने अपने माँ को देखने के लिए दोनों बच्चे मासूम बच्चे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपने माता पिता को ढूंढ रहे हैं। उनको अभी ये भी नहीं मालूम कि उनकी माँ जो भीड़ के नीचे दबी थी वो भी जीवित है या नहीं है। ऐसी तमाम कहानियां हैं जो इस दुखद और दर्दनाक घटना के बाद चारों तरफ फैली हुई हैं। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजीत भी जुड़े हुए हैं, वो भी अस्पताल के बाहर से। रंजीत, यहां पर कितने लोगों को लाया गया है और उनके बारे में डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त जेएन मेडिकल कॉलेज में एडमिट हूँ। आपको यहाँ पर व्यवस्था दिखाना चाहूँ, आईवी स्टैंड, ऑक्सीजन सिलेंडर, चेयर, पूरी तरीके से यहाँ पर व्यवस्था है, यहाँ पर चौकस है। देखिए, डॉक्टरों का 60 लोगों के डॉक्टरों का पैनल यहाँ पर पहुंचा हुआ है। मैं जानना चाहूंगा मैडम, क्या कहेंगे यहाँ पर? चलिए लौटेंगे रंजीत आपके पास। इस बीच जी जी, आप यहाँ पर इंतजार में खड़ी, जो पेशेंट खड़े और इस बीच प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं। मंत्रियों ने क्या कहा है, किस तरह इस हादसे पर सब लोग शोक प्रकट कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिया गया है कि एक बड़ी घटना हाथरस में घट गई है और मौके पे हम लोग स्थिति का जायजा लेकर के और सरकार के द्वारा जो भी वहां पे उचित निर्णय लेने हैं उसको उचित निर्णय लिया जाए। और हम लोग, क्योंकि घटना काफी लोग, इसमें संख्या अभी तक बढ़ती चली जा रही है लगातार, हम सब लोग जाकर के देखने वाले हैं कि वहां पे क्या जो घटना का स्थिति है वहां पे स्थल पे जाकर के, और जैसा होगा अभी हम लोग अवगत कराएंगे। इसी को लेकर आप लोग रवाना हो सर? अभी हाथरस से एक बड़ी घटना सामने आई है जिसके बाद आप लोग भी वहां पे जा रहे हैं। जी, हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिया गया है कि एक बड़ी घटना हाथरस में घट गई है और मौके पे हम लोग स्थिति का जायजा लेकर के और सरकार के द्वारा जो भी वहां पे उचित निर्णय लेने हैं उसको उचित निर्णय लिया जाए। और हम लोग, क्योंकि घटना काफी लोग, इसमें संख्या अभी तक बढ़ती चली जा रही है लगातार, हम सब लोग जाकर के देखने वाले हैं कि वहां पे क्या जो घटना का स्थिति है वहां पे स्थल पे जाकर के, और जैसा होगा अभी हम लोग अवगत कराएंगे। आज हाथरस डिस्ट्रिक्ट में एक प्रवचन के दौरान ये बड़ा दुखद हादसा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि मैं तत्काल मौके पे पहुंचूं। वहां मुख्य सचिव और डीजीपी और अन्य अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। जो भी वहां संभव होगा, सभी घायलों का तत्काल इलाज के लिए व्यवस्था की जा रही है और मृतकों के परिजनों को उनके ऐसी संकट की घड़ी में हम उनके परिवारों के साथ खड़े, सरकार उनके परिवारों के साथ खड़ी है। जो भी निष्पक्ष जांच करा के जो भी इस घटना में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।